नमस्कार, मैं मोहम्मद खालिद। आज मैं यहाँ पे अपने विचार परीक्षा पर चर्चा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आजकल हम लोग परीक्षा को लेके बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही परीक्षा का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ, बहुत ही कठिनाई है। लेकिन नहीं, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इससे और सीखना चाहिए कि हमें और आगे क्या करना है। परीक्षा हम लोग को एक रियलिटी दिखाती है कि हम लोग किस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर इस परीक्षा से हम लोग डरने लगेंगे तो जो जिंदगी में आगे बड़ी बड़ी परीक्षा है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। अगर परीक्षा में मार्क्स कम भी आ जाते हैं, नंबर कम भी आ जाते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं खो बैठना चाहिए, क्योंकि इस अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक ही रास्ता नहीं कि अच्छे मार्क्स लाए या बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर लें। हमारे पास बहुत ही ज्यादा रास्ते हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत स्किल आ गई हैं, जैसे कि ट्रेडिंग है और लैंग्वेज स्पीकिंग है, बहुत सी चीज़ें आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी स्किल को लेके हम लोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं तो उसके लिए हमें कोई गलत रास्ते पे या सुसाइड करने की जरूरत नहीं है या बहुत डरने की जरूरत नहीं। हमें अपने को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने को जिस चीज में शौक हो, जिस चीज में इंटरेस्ट हो, उसे अप्लाई करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।